गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं अनुष्य अग्रवाल और आप देख रहे हैं चैनल यूनिकॉर्न। तो आप लोग की रिक्वेस्ट से शुरू किया गया था ये सब्जेक्ट जो है कॉस्ट अकाउंटिंग, कहा जाए तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसमें हमने कई वीडियोस देख ली, जैसे सबसे पहले हमने जाना कि इस पूरी सीरीज में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, फिर मटीरियल कॉस्ट के साथ शुरुआत की थी और उसमें ये भी जाना था कि मटीरियल कॉस्ट को कैसे कंट्रोल किया जाता है, रीऑर्डर लेवल क्या होता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है। आज हम उसी मटीरियल कॉस्ट वाले पोर्शन में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है। देखिए, इन्वेंट्री का मतलब हो गया जो स्टॉक आप अपने वेयरहाउस में रखते हैं उसे इन्वेंट्री कहते हैं। तो इन्वेंट्री में आपके रॉ मटेरियल्स भी आते हैं, फिनिश गुड्स भी आते हैं, आपके वर्क इन प्रोग्रेस भी आता है। हम यहाँ पे इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं, वो आपके रॉ मटेरियल है, मतलब जो मटेरियल का स्टॉक आप अपने वेयरहाउस में रखोगे उसको किस तरह से कंट्रोल करें, कितना स्टॉक रखोगे। ये हमने कहां देखा था, पिछले वीडियो में, जो था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर क्वांटिटी और लेवल्स ऑफ स्टॉक हमने क्या देखे थे वहां पे, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, डेंजर लेवल और रीऑर्डर लेवल। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अब आगे देखते हैं। देखिए, कंट्रोल में हम यहाँ देखेंगे कि किस तरीके से हमारे पास अलग अलग तरह की जो इन्वेंट्री होती है या दो मटेरियल्स होते हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, किस पे कितना कंट्रोल एक्सरसाइज किया जाए, किसको कितनी बार रिव्यू किया जाए। आप पीरियोडिकली रिव्यू करोगे, आप फ्रीक्वेंटली रिव्यू करोगे या फिर आप उन्हें रिव्यू नहीं करोगे क्योंकि वो डेड स्टॉक है एटसेट्रा, वो सब चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये जरूरी क्यों है, क्यों हमें ये लेवल सेट करना जरूरी है कि हम कब ऑर्डर करें। तो हमने उधर बात की थी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो हम सेट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, वो ऐसी क्वांटिटी होती है जहां पे हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट, याद है ना, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इक्वलाइज मतलब ऑप्टिमम हो जाती है, मतलब मोस्ट ऑप्टिमम क्वांटिटी होती है जिसपे हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट ऑप्टिमम है और हमारी टोटल कॉस्ट मिनिमम आ रही है। ये हमने ग्राफ देखा था पिछली बार। अब देखो, जब हम इन्वेंट्री कंट्रोल की बात कर रहे हैं तो वहां पे हम एक और चीज बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, क्यों इतना टाइम दें हम ये देखने में कि रॉ मटेरियल हमारे पास है या नहीं, क्यों इतना टाइम दें ये देखने के लिए कि हमें कब ऑर्डर करना है, एक साथ ऑर्डर करके मंगवा लो या फिर जब जरूरत पड़े जब ऑर्डर कर लो। तो हमने दो चीजें उसमें देख चुके, कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट। एक और कंसेप्ट आपको बताती हूं कि इसमें हमें एक ट्रेड ऑफ लाना होता है। हम हमारी जो वेयरहाउस है उसमें लिमिटेड कैपेसिटी है, हमारे पास जो फंड्स है वो भी लिमिटेड है, तो इस वजह से हम बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ऑर्डर करके हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं रख सकते। अगर ज्यादा रखते हैं उसे क्या कहते हैं, ओवरस्टॉक। उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से एक तो हमारा स्पेस ऑक्यूपाई होगा, हमारे कैरिंग कॉस्ट लगेगी, क्या लगेगी, कैरिंग कॉस्ट लगेगी इस केस में, ज्यादा मटेरियल एक साथ अपन स्टॉक में रखेंगे तो ओवरस्टॉक नहीं रखना। दूसरा, स्टॉक आउट नहीं होना चाहिए। स्टॉक आउट मतलब क्या हो गया कि वी आर आउट ऑफ स्टॉक, हमारे पास स्टॉक ही नहीं है। हमारे पास ऑर्डर आ चुका है कस्टमर का, लेकिन उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए हमें प्रोडक्शन करना है, लेकिन उस प्रोडक्शन के लिए जितना रॉ मटेरियल चाहिए उतना मटेरियल हमारे पास है नहीं इस समय। तो हम कौन सी सिचुएशन में है, स्टॉक आउट सिचुएशन में है। तो क्या स्टॉक आउट सही है, नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसमें दो तरह की कॉस्ट आपकी लगती है, फाइनेंशियल कॉस्ट और नॉन फाइनेंशियल कॉस्ट। देखिए, अगर आपके पास स्टॉक नहीं है, अगर आपके पास स्टॉक नहीं है, आपके पास ऑर्डर आ चुका, तो क्या करोगे, आप इंस्टेंटली स्टॉक मंगवाओगे, इंस्टेंटली आप सप्लायर को ऑर्डर भेजोगे कि अभी आपको स्टॉक भेजे। अगर वो उसी समय आपको स्टॉक भेजता है तो इमरजेंसी के चार्जेस लगाएगा, जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें भी आपके इमरजेंसी के चार्जेस लग सकते हैं, जो डीले होगा, डीले होने की वजह से क्या होगा, डीले होने की वजह से आपको जो आपका कस्टमर है, हो सकता है उसे डिस्काउंट देना पड़े, हो सकता है आपको कस्टमर को कन्विंस करना पड़े, तो कई तरह की फाइनेंशियल कॉस्ट आपके लग गई उस केस में। अगर आपने आपका स्टॉक आउट हो जाता है, आपके पास स्टॉक नहीं रहता, उसके बाद नॉन फाइनेंशियल कॉस्ट क्या होगी, आपका जो कस्टमर है उसने जिस समय आपको ऑर्डर दिया उस समय आप उसे पूरा नहीं कर पाए, या फिर जिस समय उसे ऑर्डर चाहिए था उस समय आपके पास अवेलेबल नहीं था, उस वजह से वो कस्टमर किसी और के पास चला जाएगा। जब वो आपके कॉम्पिटिटर के पास चला जाएगा, एक बार उसे सर्विस लेगा तो हो सकता है कंटिन्यूसली उसी से ही गुड्स खरीदे, उसी से ही सर्विस ले, तो फिर आपने अपने कस्टमर को लूज कर दिया। तो नॉन फाइनेंशियल कॉस्ट क्या होगी, लॉस ऑफ कस्टमर हो जाएगा। मान लीजिए कस्टमर किसी और के पास नहीं गया, लेकिन आपकी गुडविल क्या हो गई, गिर गई, कस्टमर को पता चल गया कि ये जो हमारा क्लाइंट है, ये जो हमारा सप्लायर है, ये टाइम पे हमको गुड्स अवेलेबल नहीं करवाता, तो इसकी गुडविल, मार्केट में आपकी गुडविल क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। तो बहुत सारी नॉन फाइनेंशियल कॉस्ट भी एसोसिएटेड है स्टॉक आउट से, क्योंकि क्या इंपैक्ट आता है, स्टॉक आउट होते ही आपका प्रोडक्शन प्रोसेस रुक जाता है, आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते, आप अपनी पूरी प्रोडक्शन कैपेसिटी पे प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, आपके जो लेबर है वो खाली बैठा है, आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो वेस्ट जा रही है। समझ में आया,
तो स्टॉक आउट में आपकी फाइनेंशियल कॉस्ट भी है, नॉन फाइनेंशियल कॉस्ट भी है, और स्टॉक में भी आपके खूब सारी फाइनेंशियल कॉस्ट इन्वॉल्व है, जैसे कैरिंग कॉस्ट होगी, हमने बात की सभी कॉस्ट की जो इसमें इन्वॉल्व होगी। तो हमें इन्वेंट्री कंट्रोल में कोशिश करनी है कि हम स्टॉक आउट और ओवर स्टॉक दोनों जैसी सिचुएशन को अवॉइड करें, और एक ट्रेड ऑफ इन दोनों के बीच में एक ट्रेड ऑफ सेटअप हो जाए कि हमारे पास जिस समय जो मटेरियल हमको चाहिए वो मटेरियल हमें उस समय अवेलेबल होना चाहिए। इसके लिए हम करते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल। उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जितना जरूरी तो नहीं हम सिर्फ एक ही रॉ मटेरियल पे चल रहे हैं, मोस्टली एक चीज के प्रोडक्शन में या फिर आप अगर सेल भी कर रहे हैं तो आपके पास बहुत अलग अलग तरह के रॉ मटेरियल्स होते हैं। तो आप ये देखोगे कि कौन से मटेरियल कौन से कैटेगरी में आता है, किसको कितना कंट्रोल चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक रॉ मटेरियल को सेम क्वांटिटी ऑफ कंट्रोल चाहिए, सेम आप अटेंशन देने की जरूरत है, ठीक है। ये हम जानेंगे हमारी टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल में। अब टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल में आपकी बुक में जैसे चार तरह की टेक्निक्स दी गई है, ये जो टेक्निक्स है बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। हम हमारे स्टॉक को अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई कर रहे हैं और उस हिसाब से देखेंगे कि किसको कितनी अटेंशन देनी है। इस पे ना आपके थियोरटिकल क्वेश्चन आ सकता है नॉर्मली, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन के चांसेस कम है लेकिन आ सकते हैं, बहुत ही आसान होता है, इसलिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है कि इन पे थियोरटिकल क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, देखते हैं। अब जानते हैं डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, जिसमें आपके पहला आता है एबीसी, फिर आता है आपका फास्ट स्लो एंड नॉन मूविंग गुड्स, फिर एक है आपका हाई मीडियम एंड लो, फिर उसके बाद आता है आपका वाइटल एसेंशियल और डिजायरेबल। देखो एक एक को समझेंगे, सबसे पहले एबीसी एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से जानते हैं। देखिए ये तीनों जो कैटेगरी है वो अलग अलग बेसिस पे बनाई गई है। जैसे सबसे पहले अगर एबीसी में जो हम क्लासिफिकेशन करेंगे वो किस बेसिस पे करेंगे, इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ आइटम, मतलब जो आपका जो मटेरियल है, जो रॉ मटेरियल है उसका वैल्यू, लेकिन इसमें कौन सी वैल्यू लेंगे, उसकी टोटल वैल्यू लेंगे, मतलब इसमें वैल्यू पर यूनिट नहीं कंसिडर करते, हम टोटल वैल्यू कंसिडर करते हैं, आपके पास जितने यूनिट्स उसके हैं इनटू उसके ये वैल्यू पर यूनिट, और उसकी टोटल वैल्यू को कंसिडर करेंगे कि टोटल जो आपका ये मटेरियल, जो दो मटेरियल जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी जो वैल्यू है टोटल वैल्यू, वो आपके ओवरऑल इन्वेंट्री की कितना परसेंटेज है। साथ में हम ये भी देखते हैं कि कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स आपके पास उसकी है, एक तरीके से फ्रीक्वेंसी बोल दो, आप ये बोल दो कि कितना आइटम आपके पास उस वो क्वांटिटी कितनी है उसकी, वो इसमें आ जाएगी नंबर ऑफ यूनिट्स में। इसमें तीन कैटेगरी बनाई गई है, क्या कैटेगरी बनाई गई है, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी। ध्यान से देखना कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार है। जैसे कि आप देखोगे कि आप किसी गहने की शॉप पे गए तो गहने की शॉप पे बहुत सारा आपको सोना चांदी गहने आपको मिलेंगे, लेकिन उनके पास एक नायाब हीरा भी होता है जो उनको वो अपने एकदम अंदर वाले शेल्फ में रखते हैं, और जो वो एक दो चार आइटम जो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव जो उनके अंदर शेल्फ में रखे होते हैं, वो सिर्फ अपने हाई वैल्यू कस्टमर्स को दिखाते हैं, वो बहुत महंगे होते हैं, वो इतने महंगे होते हैं कि उनकी जो टोटल कॉस्ट लेंगे तो उनकी पूरी ओवरऑल इन्वेंट्री की कॉस्ट का बहुत मेजर परसेंटेज सिर्फ उन्हीं वो इंपॉर्टेंट ज्वेलरी पर ही होता है। तो मतलब वो ए कैटेगरी के आइटम हो गए। ए कैटेगरी का मतलब क्या हुआ कि उनकी जो इस कैटेगरी के जो मटेरियल होंगे उनकी जो वैल्यू होगी वो ओवरऑल इन्वेंट्री का 70% है, ओवरऑल इन्वेंट्री की वैल्यू का 70% इन्वेस्टमेंट आपका इसमें हो रखा है। तो एबीसी एनालिसिस में हम किसको कंसिडर करते हैं कि कितना इन्वेस्टमेंट हमारा किस रो मटेरियल में, किस मटेरियल में लगा है। तो ए कैटेगरी वाले वो गुड्स होते हैं जिसमें हमारा मेजर इन्वेस्टमेंट लगा होता है, जैसे 70% इन्वेस्टमेंट लगा, लेकिन नंबर ऑफ यूनिट्स वो नॉर्मली बहुत कम होती है। अगर हम बाकी यूनिट्स के साथ कंपैरिजन करें तो यूनिट्स उनकी बहुत कम होती है, जैसे 10% हुई। उसके बाद देखिए बी कैटेगरी में कौन से आए, बी कैटेगरी में हमारा इन्वेस्टमेंट कंसिडरेबल होता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता, 20% इन्वेस्टमेंट है और इनकी जो यूनिट्स हैं वो भी कितनी है, 20% है। फिर सी कैटेगरी में क्या है, एकदम रिवर्स हो जाएगा, इसमें 70% तो यूनिट है, मतलब बहुत ज्यादा यूनिट्स हैं इसकी, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट हमारी बहुत कम है, इन्वेस्टमेंट हमारी 10% के आसपास ही है। समझ में आया? इस बेसिस पे जब हम इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे, वैल्यू के बेसिस पे, यूनिट्स के बेसिस पे जब हम क्लासिफाई करते हैं उसे एबीसी एनालिसिस कहा जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि किस पे ज्यादा ध्यान देना है। देखिए इस कैटेगरी पे हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमारी लगी है, 70% इन्वेस्टमेंट हमारी इसमें लगी है और इसमें चाहे यूनिट्स कितनी है 10% ही है। तो हमें ध्यान रखना है, पीरियोडिकली रिव्यू करना है कि कितना स्टॉक मंगवाए, कितना नहीं मंगवाए, कितना कम है, क्योंकि हमें जरूरी है कि जो हमारा मेजर इन्वेस्टमेंट जिसमें है उसको प्रॉपरली मैनेज करें।
बी बी कैटेगरी को आप पीरियोडिकली रिवाइज कर सकते हो, ये इतनी अटेंशन की जरूरत नहीं है, इतने कंट्रोल की इसमें आवश्यकता नहीं है जितना अपन ए को दे रहे हैं। उसी अकॉर्डिंगली बी को क्या है, लीस्ट कंट्रोल की जरूरत है क्योंकि इसमें बहुत सारी यूनिट्स हमारे पास पड़ी है, बहुत स्टॉक हमारे पास अच्छा खासा इसमें पड़ा है और इन्वेस्टमेंट इसमें ज्यादा नहीं लगती, तो इसमें स्टॉक आउट होने के चांसेस कम है, इसलिए हम सी कैटेगरी को कम अटेंशन देते हैं। तो आपको समझ में आया कि ए बी सी में हम क्लासिफाई करेंगे और किस कैटेगरी को कितनी अटेंशन देंगे। देखिए जरूरी क्यों है, ये जरूरी इसलिए है, सबसे पहले देखो मैं आपको पॉइंट्स बता देती हूँ, सीधी सी बात हम स्टॉक आउट नहीं हो जाए, मतलब ऐसा ना हो कि हमारे पास प्रोडक्शन हमारा रुक जाए, हमारे क्लाइंट के हम ऑर्डर्स कंप्लीट ना कर पाए। दूसरी चीज़ क्या है, हम इन्वेस्टमेंट को प्रॉपरली मैनेज कर पाए कि हमारे जो इन्वेस्टमेंट है जहाँ प्रॉपरली इन्वेस्टमेंट लगा है वो प्रॉपरली हमारे सेल्स में आए, सेल्स में निकले से इसको हम प्रॉपरली मैनेज करें, ऐसा ना हो कि इसको मैनेज करने के चक्कर में ये मैनेज ना हो पाए। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट्स को हम मैनेज करें, हमारी कॉस्ट को हम रिड्यूस करें, हम कॉस्ट को मैनेज करते हुए चलें, जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है, कैरिंग कॉस्ट है, बाकी स्टोरेज कॉस्ट है, उन सब कॉस्ट को भी हम मैनेज करते हुए चलें और हमारा प्रोडक्शन बिना किसी रुकावट के कंटिन्यूअसली चलता रहे। तो जो हमारे कॉस्टिंग के तीन प्रिंसिपल्स हैं, इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, हम तीनों को अच्छे से फुलफिल कर पाए, इस वजह से एबीसी एनालिसिस किया जाता है। समझ में आया, काफी सिंपल है। अब देखिए दूसरी कैटेगरी क्या है, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग एंड नॉन मूविंग। इसमें क्या है, आप समझ गए होंगे, मूविंग मतलब क्या हो गया, टर्नओवर मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ यूसेज, किस तरीके से वो यूज किया जा रहा है। जैसे आप देखोगे कुछ स्टॉक होता है वो रेगुलरली यूज आता है, बहुत ज्यादा यूज आता है तो क्या हो गया, फास्ट मूविंग हो गए। कुछ स्टॉक हो गए वो धीरे धीरे यूज आता है, कम यूज आता है तो स्लो मूविंग हो गए, और कुछ हो गए नॉन मूविंग। कुछ नॉन मूविंग कौन से हो गए, जिसमें जो यूज ही नहीं आ रहा है, जो डेड स्टॉक है एक तरीके से, या तो हमारे कस्टमर हमसे खरीद के नहीं लेके जा रहा, या फैक्ट्री में अब वो ऑब्सोलीट हो गए हैं, वो हमारे प्रोडक्शन में यूज नहीं हो रहे, तो ये क्या हो गए, नॉन मूविंग हो गए। तो हम जब फ्रीक्वेंसी ऑफ यूसेज, किसके बेसिस पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूसेज के बेसिस पे इनको क्लासिफाई करते हैं, या फिर मैं बोलूं टर्नओवर के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, तो क्या आता है, एफएसएन यूज होता है। अब इसमें तीन कैटेगरी कौन सी बनेगी, एफ, एस और एन। तो एफ कौन सी हुई, जिसमें फ्रीक्वेंसी क्या है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वो बनेगी ये आपके फास्ट मूविंग, और जिसमें कम फ्रीक्वेंसी होगी वो आपकी क्या बनेगी, स्लो मूविंग, और जिसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, जो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा, वो हो गया नॉन मूविंग। समझ में आ गया। अब देखो जो फास्ट मूविंग गुड्स है, जो फास्ट मूविंग मटीरियल है, बहुत जल्दी जल्दी यूज में आता है या फिर आपके ये सेल होता है, तो उन गुड्स को, उन मटीरियल को आपको क्या करना होगा, उन्हें अच्छे से कंट्रोल करना होगा, उन्हें आपको पीरियोडिकली रिव्यू करना, एक तरीके से रेगुलरली फ्रीक्वेंटली रिव्यू करना है उसे, कि आप इसे कंटिन्यूअसली कंट्रोल करते हुए चले। ये नॉर्मली आपके ये बहुत, ये जो रखा जाता है ये मटेरियल आपके स्टॉक के लेजर के पास रखा जाता है, ताकि आप कंट्रोल कर सके, इसको रेगुलरली चेक कर सके कि इसको मंगवाना है नहीं मंगवाना है, कब ऑर्डर प्लेस करना है, इसमें हम रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर लेवल सब सेट करेंगे। जो स्लो मूविंग है वो धीरे धीरे यूज में आता है, तो इसको आपको बहुत रेगुलरली यूज रिव्यू करने की जरूरत नहीं है, इसे पीरियोडिकली रिव्यू भी आप कर सकते हो। समझ में आया। उसके बाद जो नॉन मूविंग है, जो मूव ही नहीं होता, उसको क्या करोगे, उसकी रिपोर्ट करोगे आप कॉस्टिंग एंड पेंडल अकाउंट में, उसे एज ए लॉस और ट्रांसफर करने के लिए अपने अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को बोलोगे, साथ ही साथ आप उसे बोलोगे कि इसको डिस्पोजल की तैयारी की जाए, इसको डिस्पोजल के लिए निकाला जाए, क्योंकि ये नॉन मूविंग गुड्स है। समझ में आया। तो जो FSN है वो सिंपली हो गया फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग एंड नॉन मूविंग ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ यूसेज एंड टर्नओवर, और इस अकॉर्डिंग उसकी कैटेगरी बन। अब नेक्स्ट है अपने HML, मतलब हाई कॉस्ट, मीडियम कॉस्ट एंड लो कॉस्ट। समझ में आ गया, किसके बेसिस पे है, ये बेसिस पे किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, मतलब जो आपका रॉ मटेरियल है उसकी कॉस्ट पर यूनिट के बेसिस पे हम इसमें क्लासिफिकेशन करेंगे। तो सीधी सी बात है, जो सबसे ज्यादा हाई कॉस्ट होगा वो H में चला जाएगा, मीडियम कॉस्ट वाला M में चला जाएगा और लो कॉस्ट वाला L में चला जाएगा, और उसी अकॉर्डिंग अब आप बताओ कैसे अटेंशन दोगे, जो हाई कॉस्ट वाले को सबसे ज्यादा अटेंशन दे रहे हो, मीडियम कॉस्ट वाले को पीरियोडिकली रिव्यू कर रहे हो, लो कॉस्ट वाले को सबसे कम अटेंशन दे रहे हो, बहुत टाइम से उसको रिव्यू कर रहे हो क्योंकि इसमें बहुत कम कॉस्ट लगी है। ये इतना एफिशिएंट नहीं लगता क्योंकि ये सिर्फ पर यूनिट कॉस्ट के हिसाब से हम मटेरियल को क्लासिफाई कर रहे हैं और कंट्रोल कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखना, आप बोलोगे एबीसी में भी कॉस्ट देखी थी, नहीं, एबीसी में हमने टोटल वैल्यू देखी थी, मतलब टोटल मटेरियल स्टॉक की वैल्यू देखी थी, मतलब वैल्यू पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स करके हम परसेंटेज निकालेंगे, ओवरऑल जो आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट है उसका 70% ये आएगा, तब वो ए कैटेगरी में आया। लेकिन हाई में क्या हो गया,
कॉस्ट पर यूनिट देख रहे हैं कि पर यूनिट कॉस्ट जिसकी ज्यादा होगी वो हाई में आ जाएगा, पर यूनिट कॉस्ट रिलेटिवली कम होगी वो मीडियम में आ जाएगा, पर यूनिट कॉस्ट रिलेटिवली और कम होगी वो आपके लो में आ जाएगा। सिंपल। नेक्स्ट है आपका वाइटल, एसेंशियल और डिजायरेबल। ये किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ है, ध्यान देना कि ये किस बेसिस पे हुआ है। इसका बेसिस मेनली है कि प्रोडक्शन में कितनी क्रिटिकलिटी है, कितनी वाइटलिटी है उस पर्टिकुलर मटीरियल की, क्या है क्रिटिकल, कितना है प्रोडक्शन प्रोसेस में, प्रोडक्शन फंक्शन में, जब आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो कौन सा मटेरियल कितना क्रिटिकल है, उसके बेसिस में हम तीन कैटेगरी बनाएंगे। एक होगी आपके वाइटल, कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, जिसके बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकता। तो आप समझ गए, अगर वो वाइटल है, इतना क्रिटिकल है, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, तो उसको क्या दोगे, सबसे ज्यादा अटेंशन दोगे, सबसे ज्यादा कंट्रोल किया जाएगा, इसको आपको रेगुलरली रिव्यू करना है, फ्रीक्वेंटली रिव्यू करना है। दूसरा क्या है, एसेंशियल। ये क्या है, एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब क्या है कि जरूरी तो है लेकिन वाइटल नहीं है, बहुत क्रिटिकल नहीं है लेकिन जरूरी है। तो इस एक तरीके से कहा जाए जो वी कैटेगरी है उससे कम इंपॉर्टेंट है वो क्या गया, एसेंशियल। तो इसको आप क्या करोगे, इसे आप रेगुलरली रिव्यू ना करने के बजाय पीरियोडिकली रिव्यू करोगे। जितनी अटेंशन आप वाइटल को देते हो उतनी अटेंशन एसेंशियल को नहीं दोगे। उसके बाद क्या आता है, डिजायरेबल। डिजायरेबल मतलब ये हो तो अच्छा है, अगर नहीं भी होगा तो आपका प्रोडक्शन नहीं रुकेगा। समझ में आया, मतलब हो तो अच्छा है, डिजायरेबल है, लेकिन नहीं होगा तो भी आपका प्रोडक्शन नहीं रुकेगा, इसलिए इसको अटेंशन सबसे कम दी जाएगी। दी तो जाएगी, हम इसको भी, इसका भी ध्यान रखेंगे कि ये हो हमारे स्टॉक में, लेकिन सबसे ज्यादा अटेंशन आप दोगे वाइटल को, उससे कम अटेंशन आप दोगे एसेंशियल को, और उससे कम अटेंशन आप किसको दोगे, डिजायरेबल को। समझ में आया। So this is the kind of attention you give to each category of raw material. अब बस आपको ये ध्यान रखना है कि हर एक टेक्निक के अंदर किस बेसिस पे पहले तो क्लासिफिकेशन करेंगे, क्या क्या कैटेगरीज उसमें बनाई गई है, किस बेसिस पे कैटेगरी बनाई गई है, हर एक कैटेगरी की क्या फीचर है और हर एक कैटेगरी में हमको कितनी अटेंशन देनी है। जैसे कि आपने एबीसी में देखा तो इसमें किस बेसिस पे क्या टोटल वैल्यू ऑफ आइटम एंड नंबर ऑफ आइटम्स, कितनी फ्रिक्वेंसी है आइटम की, उसके बेसिस पे ए बी और सी हमने बनाया, जिसमें हमने टोटल वैल्यू हमने देखा, जो पर्टिकुलर हमारे दो है उसका टोटल वैल्यू, जो टोटल हमारी इन्वेंटरी की वैल्यू है उसका कितना परसेंटेज होगा और कितनी यूनिट्स उसकी है एज कंपेयर टू द टोटल यूनिट्स ऑफ इन्वेंटरी। उसके बाद फास्ट, स्लो और नॉन मूविंग में हमने किसके बेसिस पे किया, ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर या फ्रीक्वेंसी ऑफ यूसेज, फास्ट, स्लो और नॉन मूविंग। उसके बाद एचएमएल किस बेसिस पे हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट पर यूनिट या वैल्यू पर यूनिट, तो हाई, मीडियम, लो। फिर उसके बाद आ गया वाइटल, एसेंशियल और डिजायरेबल, ये किस बेसिस पे हुआ, इन क्रिटिकलिटी इन प्रोडक्शन फंक्शन, कि प्रोडक्शन फंक्शन में कौन कितना क्रिटिकल है, कितना इंपॉर्टेंट है, उसके बेसिस में हमने की तीन कैटेगरीज निकाली। आपको पता है कौन कौन सी कैटेगरी में हमको कितनी इंपॉर्टेंस और कितनी अटेंशन और किस तरीके से रिव्यू करना है। जैसे जो फर्स्ट होती है उसको हम रेगुलरली फ्रीक्वेंटली रिव्यू करते हैं, जो सेकेंड कैटेगरी आती है नॉर्मली जैसे बी, एस, एम, एसेंशियल, इनको हम पीरियोडिकली रिव्यू करते हैं, जो सी कैटेगरी आती है, जो लास्ट कैटेगरी है सी, एन, एल, डी, इनको हम रेगुलरली रिव्यू नहीं करते हैं, हम इन्हें टाइम टू टाइम रिव्यू करते हैं, बहुत ज्यादा इसको अटेंशन नहीं देते हैं, बहुत ज्यादा मैनेजमेंट इनका हमको नहीं करने का होता। समझ में आया। तो ये आपका था टेक्निक्स ऑफ इन्वेंटरी कंट्रोल, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगर आपको समझ में आया तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। योर सब्सक्रिप्शंस, योर कमेंट्स एंड योर लाइक्स ओनली टेल अस कि वेदर यू आर वॉचिंग द वीडियो और नॉट। अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा और समझा है तो मुझे बताइए कॉमेंट बॉक्स में नीचे कि एबीसी एनालिसिस में किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया जाता है। मैं आपकी कॉमेंट्स का वेट करूंगी, आप बताइएगा कि एबीसी एनालिसिस में किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया जाता है। आप अपने कोई रिव्यूज है वो भी हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, कोई डाउट्स है वो भी लिखिए, मैं कोशिश करूंगी कि एज सून एज पॉसिबल आपके डाउट्स को रिजॉल्व करूं। आई सी नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, बाय बाय।